आप लोगों का फरमाइशों का दौर चलेगा तो हम विजयेश्वर देवता महाराज जी के श्री चरणों में आप सभी ने जितना भी अंशदान दिया था हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी के जो खजाने हैं वो हमेशा भरे रहे और आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा हो। तो चलिए अब इसके बाद फिर से कार्यालय का अगला भाग बिल्कुल शुरू होने जा रहा है, लेकिन एक महात्मा जी है और वो बॉलीवुड से है यहाँ पर हमारे बीच में, और ये देखो रोटी बेलना सीख रहे हैं अभी क्योंकि बॉलीवुड से हैं, और ये कुछ ज्ञान ध्यान आप लोगों को सुनाएंगे तो जरा सुनिए। तो महात्मा जी को बिल्कुल है जी, महात्मा जी बस बच्चों वाले खेल छोड़ दो। नमो नारायण महात्मा जी, एक ए मेरे भगवान, ए नमो नारायण महात्मा। इतना एक बिजली वाला तो नहीं कहीं आया हुआ कोई, पता नहीं पिछले साल मेरे क्या कहीं चमका दर्द होना थे। ए महात्मा जी ये क्या कर रहे हैं, मेरे को बोल रहे और क्या? अच्छा नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ना तो महात्मा जी फिर कहां से आया? पूछो मत बच्चा, पूछो ना, पूछना तो पड़ेगा भाई। अगर पूछ ही लिया है हम बड़ी दूर से आए हैं बच्चा, बड़ी दूर से, तीन दिन चार रातें लग गई बच्चा चलते चलते, तीन दिन चार रातें। अच्छा देवा जी का अंतर आत्मा से फोन आया। अच्छा तो मैं बॉम्बे से सीधा धर्मपुर, अच्छा और धर्मपुर से सीधा इस गांव में चला, बुढ़ोल में, बुढ़ोल में चला आया। क्या बात है, श्री श्री 1000 बॉम्बे नाथ बम्बई से आए हैं बच्चा। अच्छा अच्छा श्री श्री 1008 बम्बई नाथ, बम्बई नाथ महाराज की, मुंबई से आए, मुंबई से आए आप। हाँ बच्चा क्या बात है, तो महात्मा जी फिर जा कहाँ रहे? अब हम जाने की तो बात में सोचेंगे, अच्छा पहले हम यहाँ आने की बात बताते हैं। अच्छा हाँ बच्चा, तो महात्मा जी फिर कोई ज्ञान ध्यान? ज्ञान ध्यान तो बहुत आता है बच्चा, बहुत आता है। ज्ञान की गंगाएं तो बड़ी भारी तरंगे छलकती रहती है। अच्छा हम थोड़ा सा यहाँ बांट के जाएंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो ये लोग बैठे हुए हैं ये देवभूमि हिमाचल के लोग है, उनको जिताएंगे, पहले से ही जानते हैं बच्चा, पहले से जानते हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव हिमाचल में रहने वाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महात्मा जी, इसलिए हमको थोड़ा सा मौनी बाबा है बच्चा। अच्छा मौनी बाबा, हाँ हाँ, जब हम बोलना शुरू करते हैं हाँ? तो चुप कराने मुश्किल हो जाते हैं बच्चा। अच्छा हाँ, हम सिर्फ कर्म क्षेत्र के बारे में बचाएंगे बच्चा, कर्म क्षेत्र। हाँ तो बताओ फिर। हाँ देखो क्या कहते हैं बच्चा, मन चंचल है यादव राय। अच्छा मन चंचल है यादव राय, मन बस करने का कहो उपाय, मन में होत अनेक तरंग, शुभ अशुभ नहीं सूझत रंग। हमारे जो गुरु महाराज थे यहाँ पर जिन्होंने मन की बात बताई थी, नमो नारायण, तो उन्होंने कहा था कि मन क्या है। अच्छा। मन एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जो बैठे बैठे बॉम्बे तो क्या है, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, परंतु मन को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे करना है? बुद्धि तीन तरह की जान। हाँ क्या बोला? बुद्धि, बुद्धि तीन तरह की जान, सातक राजस तामस मान। अरे क्या बात, सातक राजस तामस मान, तामस मान। हम सात्विक राजसिक और तामसिक, हमारे अंदर तीन प्रकार की तरंगे उठती है बच्चा। त्रिशूल का मतलब समझते हो? त्रिशूल, हाँ भोलेनाथ के पास जो त्रिशूल होता है वो देखने वाला त्रिशूल नहीं है बच्चा। अच्छा। वो तीन प्रकार की पीड़ाएं है बच्चा, वो क्या है त्रिशूल, उसमें शूल होती है बच्चा, तीन प्रकार की शिलाएं पीड़ाएं हैं। अगर इससे तुम बचना चाहते हैं तो ओम का मंत्र जाप करना पड़ेगा। अरे वाह नमो नारायण महात्मा, अकार उकार मकार, ओम का मतलब है जन्म मरण और पालन, ये तीन चीजें हैं, और संहारक कौन है? शिव जी है, शिव जी है। तो हम कहते हैं बच्चा अगर आपने जीवन में कुछ भी करना है तो बृजेश्वर महाराज के जागरण में आनंद का लुफ्त उठाना है बच्चा। अगर आप बृजेश्वर जागरण में कुछ करके जाएंगे तो भोलेनाथ बिन बुलाए तुम्हारे घर आएंगे बच्चा। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से मन ही करावे प्रीत, मन ही करावे प्रीत, मन की ये कल्पना जान, मन त्रिगुण में रसमान, मन ही हसत मन ही रोए, मन पुरुष को जात भगोए,
मन ही कहत बड़ी चतुराई, मन ही जीव को रह भरमाई। मन का ही सारा खेल है, मन को कंट्रोल कैसे करोगे? ओम नमो शिवाय, तुम चलो बच्चा हम आए। भगवान की जय, महाराज की जय। यहाँ पर देवता जी महाराज है, देवा जी महाराज है, जिन्होंने आज यहाँ पर ये जागरण रखा है। देवता स्वयं यहाँ चल कर आए हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन सबका कल्याण होने वाला है। हम चले बम बम बम्बे बम्बे। अब अपना जाने का समय हो गया। नमो नारायण महात्मा जी, फिर आना, फिर कभी आए, अवश्य आएंगे बच्चा। यहाँ के लोग बड़े ही अच्छे हैं। मन तो जाने का नहीं कर रहा है, परंतु समय का अभाव है। नहीं नहीं नहीं, बस चले ही जाओ बाबा। नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कि लोग बोर हो। भाई मैं बहुत अच्छा बाबा होता हूँ, या तो मिला बस महात्मा आपने देखा, बहुत से साधु थे और बहुत से ही स्वादु थे। साधु के साथ साथ स्वादु भी थे। तो आपने देखा, हंसाया भी आप सभी को, साथ ही ज्ञान ध्यान के बातें भी आप सभी के बीच में रखी गई। ज्ञान भी उन्होंने खूब भरपूर बांटा। और इसके बाद फिर से अब ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, क्योंकि कई लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं क्योंकि मनोरंजन की ओर ध्यान उनका जा रहा है कि पता नहीं कब जैसे ये डांस करवा रहे हैं या नहीं भी करवा रहे। कहीं साधु का स्वांगी तो नहीं चलेगा कहीं पूरी रात, लेकिन ऐसा नहीं। आपके लिए हम कार्यक्रम की बहुत बड़ी पिटारी भर कर लाए हैं। आपने बस बैठे रहना है, हम लोगों के साथ यहाँ पर हमारा सहयोग भी देना है और भरपूर आनंद भी उठाना है, जिसमें आप सभी को बीच बीच में करियाना जो हमारा है, उस विधा के जो शैलियां हैं उसके बारे भी जागरूक आप सभी को अवगत करवाया जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी का मनोरंजन का पूरा यहां पर ध्यान रखा जाएगा। तो लीजिए, अब बिल्कुल तैयार है हमारे बीच में यहां पर बंबई से एक फ्लाइट बिल्कुल यहां पर पहुंच चुकी है। मिस मधु जी यहां पर आ रही है, बिल्कुल गाना बजाना होने वाला है जी। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे ज्ञानी महात्मा, हाँ ज्ञानी, ज्ञानी तो भाई बड़े पहुंचे हुए पहुंचे हुए ना। हाँ बड़े महाराज, मैं भी चलू अभी इनके साथ। ठीक है, ऐसे लोगों ने फसले लगाई जो आड़ ना करे कभी। हाँ देखो देखो देखो, कहीं खेत में जा सकते लोग। ठीक है, फिर आएंगे महात्मा। नमो नारायण, फिर आना आपने भी कभी है।